करीबन 3000 किलोमीटर की सफ़र हम तय करेंगे इसमें। प्रिपरेशन किया था, क्या तैयारियां किया था? बहुत सारे इंडियंस हैं जो उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज योर माइंड, आप अगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ बहुत आगे तक जा सकते हैं। किलोमीटर्स कवर कर चुके हो अब तक? 350-400 किलोमीटर शायद हमने कवर किया। अपर्णा यादव रही हैं जिन्होंने हमें रास्ते में भी सपोर्ट किया, हम लोगों को कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी बात को लेके। कई बार क्या होता है कि हम अच्छा करने जाते हैं, कई लोग हमारी टांग खींचते हैं। हमारा पर डे का 100 किलोमीटर अबव हो जाता है, कभी 100-110 हो जाता है। रिस्क नहीं लेते हैं तो 5 बजे तक जहाँ पे हम पहुँचे वहाँ पे हम हॉल्ट हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को जो गांव के इलाके पड़ते हैं, कुछ रस ड्राइविंग्स होते हैं, जैसे आप अगर धुंध में साइकिल चला रहे हो तो दैट इज़ द मोस्ट। कल बुलंद हौसलों और संघर्ष के साथ निकलने वाली दो युवतियां इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि जो है एक बॉर्डर से निकली, हिंदुस्तानी बॉर्डर से निकली थी, जिस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये इनका जो पूरा रूट मैप है, ये शुरू हुआ था, थोड़ा हाथ हटा लें आप। हाँ, ये जो कमान अमन सेतु है, यहाँ से ये इनके जो है यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद ये मुरादाबाद और होते हुए अब लखनऊ पहुँचे और बांग्लादेश में जाके समापन होगा। बातचीत करके जानने का प्रयास है आखिर जो ये पूरी यात्रा शुरू हुई इसके पीछे क्या कुछ मकसद है और साफ तौर पे ये युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, बात कर लेते हम। बहुत स्वागत है पहले तो आपका लखनऊ में। क्या नाम है? मेरा नाम सविता महतो। अच्छा सविता, कहाँ से आपने पूरा शुरू किया था अपना? मैं मेरे साथी अनामिका बिस के साथ कमान अमन सेतु जो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहाँ से स्टार्ट किया था। और हम लोग जा रहे हैं ढाका बांग्लादेश जो कि करीबन 3000 किलोमीटर की सफ़र हम तय करेंगे इसमें। जी हाँ, जिस तरीके से साइकिल से जाहिर सी बात है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल सफ़र है, तो क्या कहना चाहेंगे और इसके लिए क्या पहले से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया था, क्या तैयारियाँ किया था? देखिए, हम लोग जो ये राइड कर रहे हैं, हमारे रियल हीरोज़ चाहे वो बॉर्डर पे तैनात है या चाहे वो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं एक सलाम सिपाहियों के नाम से कर रहे हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि हमारे मतलब सोल्जर्स हमारे लिए मतलब बहुत सारे इंडियंस हैं जो उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, बट हम दोनों को अपॉर्चुनिटी मिली है बोलने की, उनको जाके उनके बीच में कि थैंक यू बोलने की। तो और रही बात प्रिपरेशन की, तो बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज़ योर माइंड, आप अगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ बहुत आगे तक जा सकते हैं, तो इसी वजह से। अनामिका भी बात कर लेते हैं, बहुत स्वागत है लखनऊ में आपका, कैसा महसूस हो रहा है, अभी तक की जर्नी कैसी रही आपकी? थैंक यू सो मच सर, अभी तक की जर्नी काफ़ी थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आई बीच बीच में, लेकिन उसको फेस हम लोग धीरे धीरे अपने साथ करते रहते हैं। अब तक आप कितने किलोमीटर्स कवर कर चुके हो? मेरा तो मैंने इनके साथ वैसे तो अमान सेतु से ज्वाइन करना था लेकिन मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने दिल्ली से इन्हें ज्वाइन किया था, और अभी पूरा बांग्लादेश तक 2000 किलोमीटर प्लस हम लोग चलाने वाले हैं। अब तक 350-400 किलोमीटर शायद हमने कवर किया, 300 किलोमीटर समथिंग। यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगी स्पेशली आप, क्योंकि एक ये जो आप कर रहे हो बहुत बड़ा काम है, आज का यूथ जो सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है उसको एडवेंचर्स और उसको इस तरीके की चीज़ों में बहुत दूरी बना रहा है। देखिए, हमारा जो मोटो वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी है और इसमें हमारी प्रेरणा स्रोत मिसेज अपर्णा यादव रही हैं जिन्होंने हमें रास्ते में भी सपोर्ट किया हम लोगों को, और बाकी हम यूथ को ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने एम तक पहुंचना चाहते हैं तो उसमें लगे रहिए, कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो किसी भी बात को लेके। कई बार क्या होता है कि हम अच्छा करने जाते हैं, कई लोग हमारी टांग खींचते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान ना रखते हुए आप अपने गोल्स को फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहें। अनामिका भाई जी, जैसे ये तो अभी आप साइकिलिंग कर रहे हो, इसके अलावा और भी क्या मतलब कैसे करते हो, कुछ और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं आप लोग? जी हाँ जी, मेरी वैसे प्रोफेशनली माउंटेनिंग का है, पर्वतारोहण क्षेत्र में हम लोगों का बैक टू बैक एक्सपीडिशन रहते हैं, तो हम लोग पर्वतारोहण के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। तो अभी तक माउंटेनिंग अगर हम बात करें तो कहाँ तक आपने तिरंगा लहराया? हमने इंडिया बेस में तो काफ़ी अपना गंगोत्री क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लद्दाख, और अभी लास्ट ईयर मैंने यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक था माउंट एल्ब्रुस वो भी क्लाइम किया था। एक सवाल ये है कि स्पेशली जब आप इस मौसम में निकलते हो तो मौसम की मार कितनी पड़ती है और फिर उसके बाद कितना मुश्किल होता है साइकिलिंग करना, क्योंकि जाहिर सी बात है ठंडा बहुत है, और जब हम तराई क्षेत्रों में जब आप जाओगे जैसे लखनऊ से होते हुए बाराबंकी और दूसरे इलाकों में तो वहाँ और ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई, इवन अगर आपके दिन में भी 12 बज रहे हैं तो आपको कोहरा देखने को मिलेगा, लेकिन हम उसको फेस बड़े ध्यान से हम लोगों को चलना होता है कि आगे से भी अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको भी मतलब हम टकरा ना जाएँ, लाइक उस
तरीके से देख के चलना पड़ता है, तो हम काफ़ी स्लो करके और बहुत ध्यानपूर्वक चलते हैं। पर डे लगभग कितने घंटे आप लोग साइकिलिंग करते हो और एवरेज कितना किलोमीटर? आज का तो एवरेज हमारा ये रहता है कि लाइट होने से पहले हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाए 5 बजे तक, लेकिन हमारा पर डे का 100 किलोमीटर अबव हो जाता है, कभी 100-110 हो जाता है। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि 5 बजे तक तो पहुंचना है डेस्टिनेशन, क्योंकि रात में थोड़ा और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और मतलब कभी गड्ढे वड्ढे भी आ जाते हैं, तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो 5 बजे तक जहाँ पर हम पहुँचे वहाँ पर हम हॉल्ट हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है, हाईवेज़ को कैसे आप कवर करते हो कि स्पेशली जहाँ पे अगर सड़कें अच्छी नहीं हैं उन एरियाज़ को, ग्रामीण क्षेत्रों को जो गांव के इलाके पड़ते हैं? ग्रामीण एरिया को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं हम ना, कोशिश करते हैं कि जो एक्सप्रेस वे है उसको भी अवॉइड करें और एकदम इंटीरियर में भी ना जाए, तो स्टेट हाईवेज़ को मोस्टली फॉलो करते हैं और हम लोग अपना लेन को ही फॉलो करते हैं कि अब जो वाइट पट्टी होती है उसको क्रॉस नहीं करते। हाँ, कुछ कुछ रश ड्राइविंग्स होते हैं, जैसे आप अगर धुंध में साइकिल चला रहे हो तो दैट इज़ द मोस्ट, कल आपने देखा होगा पूरे दिन धुंध थी, तो हम थोड़ा सा ना एकदम कान खड़े रख के जहाँ हम लोग 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर करते हैं वो 20 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है हमारी, तो बट मतलब वही है कि हम बिना रुके चलते रहते हैं। जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हमारे साथ सविता महतो थी और अनामिका बिष्ट, जो कि अमन सेतु से निकली थी और बांग्लादेश तक इनका जाने का लक्ष्य है। साफ तौर पे एक बड़ा टारगेट लेकर निकली है और निश्चित रूप से जितना बड़ा टारगेट है उतना ही ज़्यादा लक्ष्य है, मगर जिस तरीके के इनके हौसले हैं और इरादे हैं निश्चित रूप से इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ, दलीडे, हिंदी, लखनऊ।